सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमें एसके, वेलकम टू एसके टेक प्रो। सो गाइस आज इस नया वीडियो में आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल हो रहा है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करूंगा यूट्यूब कैटेगरी क्या होता है, तो ये लेकर आज हम बात करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आए तो वीडियो करना एक लाइक, हमारे चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते। सो ऑलराइट गाइस, हम बात करूंगा आज यूट्यूब कैटेगरी क्या होता है और यूट्यूब कैटेगरी आप लोग क्यों यूज करेंगे, तो ये लेकर हम बात करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो यूट्यूब कैटेगरी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को वीडियो में यूज़ कर रहा है। अननोन कैटेगरी कोई नहीं है, अननोन कैटेगरी कोई नहीं, यूट्यूब कैटेगरी से वीडियो होता है यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे आप लोग अगर कोई एक नया यूट्यूबर आते हैं तो उसके छोड़ जाते हैं कि भाई ये कैटेगरी क्या होता है, तो उन लोगों के लिए ये बताऊंगा। आप जो तरफ से वीडियो शूट कर रहा है उसका कैटेगरी है, ठीक है। तो मैंने जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है टेक्नोलॉजी कैटेगरी है। अगर आप लोग पानी वीडियो शूट करिए वो है इंटरटेनमेंट, सिर्फ आप लोगों को यह पर मोटिवेट और ऐसे है कि हंसने के लिए, फनी वीडियो जैसे ऐसे है, ठीक है, वो है इंटरटेनमेंट, ठीक है। और उसके बाद गेमिंग, गेमिंग के लिए गेमिंग कैटेगरी है। एंड आप लोग अगर शॉर्ट फिल्म बनाने तो शॉर्ट का ऑप्शन है, एंड इमोशनल बहुत सारे ऑप्शन है, एटेक्शन आप लोग अगर सीख एटेक्शन एंड सीखनी कोशिश करते तो सीखने के लिए वो कैटेगरी है। तो बहुत सारी कैटेगरीज है, एंड फिल्म कैटेगरी है, क्या बताऊंगा, बहुत सारे कैटेगरी इस तरफ से वीडियो यूट्यूब पे शूट होता है, ठीक है। ऐसे तो कोई नहीं कि नॉन कैटेगरी से लोग वीडियो शूट कर रहा है, सिर्फ कैटेगरी से वीडियो शूट कर रहा है तो आपका वीडियो अच्छी खासा रैंक करेगा। तो मैंने अगर मैंने टेक्नोलॉजी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, या फिर मैंने अगर गलती से कोई फनी वीडियो अपलोड करूँगा तो या फिर कैटेगरी मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि यह दूसरे कैटेगरी से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे चैनल का जो एक कैटेगरी से काम करेंगे तो लोग एक कैटेगरी से लोग देखेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तो ऐसे करके आप अगर ऑडियंस पा सकते। आपने अगर सोच लो आपने फनी वीडियो अपलोड किया, ठीक है, और फनी वीडियो के बाद आप लोग टेक्नोलॉजी वीडियो अपलोड किया और उसके बाद आप लोग शॉर्ट फिल्म अपलोड किया, ऐसे करके फास्ट से कैटेगरी आप यूज़ कर लिया, लेकिन आपका व्यूज़ नहीं आएगा इसके लिए, क्योंकि जो लोग आपको फनी वीडियो लेकर सब्सक्राइब करेगा वो लोग देखते कि आप अलग अलग कंटेंट यूज़ कर रहा है तो आपका वीडियो में नहीं देखेगा, तो इसकी वजह से आपका वीडियो का व्यूज़ नहीं बढ़ सकते, आपका व्यूज़ का वायरल नहीं हो सकते एंड चैनल का सब्सक्राइब ग्रो होने हो सकते। तो वेस्ट आप लोगों को यूट्यूब कैटेगरी ऐसे होता है, यूट्यूब कैटेगरी बहुत ही हेल्प करता है आपका वीडियो का व्यूज़ आने के लिए एंड आप लोगों को वायरल करने के लिए, आपका चैनल का सब्सक्राइब इंक्रीज करने के लिए। तो बहुत सारे डिमांड है, क्योंकि यूट्यूब कैटेगरी क्या होता है कि लोग वो नए यूट्यूबर का जो मन में डाउट हो सकता है, तो उन लोगों के लिए बताऊंगा कि भाई तुम एक कैटेगरी से यूज़ कर लो और वो एक कैटेगरी से बना लो, आपका सफल हो जाएगा और आपका सक्सेस ग्रो हो सकते, क्योंकि आपने अगर एक कैटेगरी से काम करेगा तो अच्छी खासा रैंक कर जाएगा। अगर हाँ, मैं आप लोग को थोड़ा सा ट्रू देऊंगा, जैसे कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे जाओ एंड देखो, देखने के बाद आप लोग जो देखेंगे वो एक कैटेगरी से देखेंगे, क्योंकि मैंने दूसरा कोई कैटेगरी का वीडियो नहीं अपलोड किया। किन के लिए, किसके लिए मैंने नहीं अपलोड किया, इसके लिए क्योंकि लोग मेरा चैनल को एक कैटेगरी से देखेगा तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड बाय द वे, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए वो लोग इसके लिए सब्सक्राइब किए कि ये भाई कुछ ऐसे टिप्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी वीडियो कर रहा है। अगर मैंने ये फर फनी वीडियो या फिर गेमिंग वीडियो डाल रहा हूँगा तो गेमिंग लोग आएगा और देखेगा कि या फिर टेक्नोलॉजी वीडियो अपलोड कर रहा है, गेमिंग वीडियो अपलोड कर रहा है, वो लोग सब्सक्राइब नहीं करेगा क्योंकि उसका तो पसंद आता है गेमिंग, तो वैसे हर कोई टाइम में गेमिंग देखना चाहते। तो इनके लिए कैटेगरी ऐसे एक चीज़ है जो आप लोगों को वीडियो हेल्प करेगा एंड आपका वीडियो यूट्यूब चैनल को रैंक करने के लिए हेल्प करेगा एंड आप लोगों का जो चैनल है वो बड़ा करने के लिए हेल्प करेगा। और ये चीज मुझे ऐसा लगा क्योंकि कोई एक नया यूट्यूबर मुझे पूछ रहा था कि भाई कैटेगरी क्या होता है, तो मैंने सोच रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कैटेगरी के क्या होता है वो भी नहीं जानता है, तो उन लोगों को ये बताऊंगा भाई यूट्यूब पे बहुत सारी कैटेगरी है जो आप लोगों को OIT स्टूडियो ऐप एलिस्टर करने के बाद वो आ जाएगा। आपका वीडियो में क्लिक करके रेड ऑप्शन में जाना और उसके बाद अबाउट फॉर ऑप्शन है वो ऑफर जाना, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज का ऑप्शन है 15 कैटेगरी वाइफर है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो कैटेगरी यूज़ कर लो उसका मर्जी है। और कैटेगरी क्या होता है ये तो आप लोग को बता गया। और गैस आपने अगर चाहते हैं कि आपका जो मान है आप कौन कैटेगरी से इंटरेस्टिंग है तो ये लेकर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आपने अगर ये वीडियो का लाइक 5 लाख कंप्लीट करेंगे तो दूसरा वीडियो आप लोगों को ये बताऊंगा कि बहुत सारे कैटेगरी से जो आप लोगों को इंटरेस्ट है वो कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग मान में डाल सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी कहाँ पर पाऊंगा, तो ये लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग ये 5 लाइक कंप्लीट करेंगे तो
तो मैंने ये आप लोग तो नए यूट्यूबर को ये कहूँगा कि आप एक कैटेगरी यूज़ कर लो, दूसरा कैटेगरी नहीं, और वीडियो जब बनाना स्टार्ट करेगा तो वीडियो स्टार्ट करना, तो आपका वीडियो अच्छे से रैंक करेगा इंशाल्लाह। सो ऑलराइट गाइस, उम्मीद करूंगा आज इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर आज इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो करना एक लाइक, हमारे चैनल पे आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जब भी कोई नया टेक्निकल कोविड वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। एंड ये वीडियो कैसा लगा जोर से कमेंट करके बताना, आपका दोस्त अगर नया यूट्यूबर है तो उन लोग को जरूर शेयर करना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो टाटा करे फॉर खुदा हाफिज।